इस समय हम जम्मू के जेडीए ग्राउंड की बात करें तो गांधीनगर के जेडीए ग्राउंड में मौजूद है, जहां पर ऑल जम्मू एंड कश्मीर गुज्जर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से एक पंचायत महापंचायत ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि पीसफुली कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, काफी जो गुज्जर बकरवाल पहाड़ी समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि लगातार जो पार्लियामेंट में बिल पास होने की बात की गई थी, वो जो अब स्पेशल सेशन जो पार्लियामेंट में हो उसमें वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर हम यहाँ के जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो बड़े लीडर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वो सुनाते हैं क्या कुछ उनका कहना है। बिल को पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया है, पिछली वर्ष का मॉनसून सेशन में ये बिल क्यों नहीं हो पाया, लेकिन इस बार चुनौती वहां वैसे ही कानून पास हो जाते हैं और आप लोगों को बंद करके जेलों में डाल के कानून को पास कर दिया जाता है। और फिर कल एक जमात के साथ हमारे कहीं दो आदमी चले गए हैं, उनसे जबरदस्ती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कि हमें इससे कोई नुकसान नहीं होता अगर शेड्यूल ट्राइब पहाड़ी को दिया जाए। हम कहते हैं पहाड़ी की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, कहीं वोटर फेरिस्ट में पहाड़ी नहीं है, कहीं भी ये मेंशन नहीं कर रहे हो, तो लग गया कि आप ये कहीं में कोई नुकसान नहीं है। हमारे यहाँ आज महासभा का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहिए? ये जो जम्मू कश्मीर के शेड्यूल ट्राइब्स हैं, गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पीस, उनके हकूक की हिफाजत के लिए एक हमने ये आज महापंचायत बुलाई है, क्योंकि आप जानते हैं सरकार एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और विदाउट जो कोई सब्सटेंस एक बिल लाना चाहती है पार्लियामेंट में, जिसमें बड़े हायर क्लास लोग जो हैं और एफ्लुएंट लोग हैं समाज के, उनको शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में दर्ज करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पर गौर खोज किया जाए, क्योंकि ये किसी भी तरीके मुमकिन नहीं है और डिजर्व नहीं करते। शेड्यूल ट्राइब की तरफ से कल गुलाम अली खटाना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि ये जो महासभा हो रही है इसमें जितने भी लोग हैं वो पीडीपी और एनसी से आ रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, मैं नकारता हूँ, ना हमारे लिए कुछ एनसी ने किया, ना कांग्रेस ने किया, ना पीडीपी ने किया। उम्मीद ये बंदी थी कि ये लोग करेंगे, लेकिन इन्होंने आखिर में आके बहुत बड़ा छक्का मारा और ये सबसे ज्यादा यानी एसटी दुश्मन साबित होने जा रही है। और आप एक आदमी की बात सुनते हो जो नॉमिनेटेड है राज्यसभा में, ये जो समंदर आ रहा है लोगों का, इसको आप नहीं देख रहे हैं, ये लोग समझते हैं सही मानों में ये लोग नुमाइंदा हैं कौम के, गुजर बकरवाल तबका के, शेड्यूल ट्राइब के, ना कि एक आदमी जो नॉमिनेटेड है राज्यसभा में, वो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो कोई नुमाइंदा नहीं है कौम का। स्पेशल सेशन जो स्टार्ट होने जा रहा है जी पार्लियामेंट में, तो क्या लगता है आपको ये बिल पास किया जाएगा? नहीं करना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आज की ये हमारी महापंचायत और जितना भी शोर शराबा, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो 22 करोड़ गुजर हैं वो इस मुद्दे पे एक हैं, और वो ये नहीं चाहते कि किसी बड़ी क्लासेस को उसमें इंक्लूड किया जाए शेड्यूल ट्राइब में, और जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल और गद्दी सिपी का शेड्यूल ट्राइब डाइल्यूट किया जाए या खत्म किया जाए। साफ तौर पर कल गुलाम नबी एक आदमी के ये कहने से, क्योंकि एक आदमी उनकी रोजी रोटी में फंसा हुआ है, उनके निवाले में फंसा हुआ है, तो उसकी स्टेटमेंट तो कोई मैटर नहीं ना करती, मैटर तो यहाँ जो अवाम नास है उनकी बात मैटर करेगी ना। एक आदमी की इनफरादी, जिसको कुछ दे दिया है इस मौजूदा सरकार ने, उसकी बात मैटर नहीं करती। जी सर, जो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का शुरू होने जा रहा है जिसमें कि गुजर बकरवालों का एक बिल जो है वो दिया गया था, क्या लगता है वो बिल जो है वो डिल्यूट होगा? हमारी तो यही कोशिश है और हम गवर्नमेंट को यही बोल रहे हैं कि ये जो नॉन लोग हैं जो एसटी में वो डिजर्व नहीं करते हैं, जो जिसमें जनरल कास्ट बहुत सी हैं, तो हमारी यही है कि जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, ये इनका जो ट्राइबल बिल है ये पेश नहीं किया जाए, हमारी यही होगी, क्योंकि वो जो वेरी पर्पस ऑफ द जो शेड्यूल ट्राइब है दैट विल बी डिफीटेड। शेड्यूल ट्राइब में वही लोग आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी सर्टन प्रोविजंस हैं
उसके तहत जो लोग फाल करते हैं वही आएंगे। अगर आप ऐसे हर किसी को मिला देंगे तो फिर शेड्यूल ट्राइब का कोई मतलब ही नहीं रहा। यही इसीलिए हम लोग ये हमारी जो आज महापंचायत हो रही है हमारी इसी के खिलाफ है। पार्टी लेवल से ऊपर उठ के, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है, उनसे ऊपर उठ के हमारी जनरल जो हर तबका के, हमारी हर पूरी बरादरी के लोग और हर सियासी पार्टी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम जो मोदी साहब की जो 370 दफा थी, हमें उस वक्त ये बहुत बड़ा खुशी भी है कि आश्वासन हुआ कि हमें आपको ट्राइबल राइट्स दिए गए हैं। जो 2002 में फॉरेस्ट राइट एक्ट वो पास हुआ था, उसके बाद में हमें रिजर्वेशन भी दी गई थी स्पेशल जो एसटी को। लेकिन अगर आप एसटी की रिजर्वेशन दे रहे, पहले भी तो हमारे 9 एमएलए आते थे, और अभी अगर ये आप ट्राइबल ये जो दूसरे लोगों को शामिल करेंगे तो जो लोग आते थे वो भी नहीं आएंगे। और जो अभी हमें पूरे जो ग्राउंड लेवल के ऊपर हमें जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो आपने पास किया था 2002 में, तो 2006 में जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट हुआ आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 के बाद, तो वो ग्राउंड लेवल पे अभी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हमारे लोगों को उल्टा उखाड़ा जा रहा है। तो हम यही गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं, हमारी इतनी बड़ी आबादी है, इतनी तादाद है, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, जो शेड्यूल ट्राइब हमारे गुजर बकरवाल लोग हैं, तो इनको अभी तक इनकी जो मोर देन 50% आबादी है वो भी हाउसलेस है। तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड यही है कि इन लोगों को बसाया भी जाए जो हमारे नुमैड लैग हैं। आप देखते हैं जितने नदी नालियाँ उनके किनारे बैठे हुए हैं, बारिश में सर्दी में वो वहीं होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंस किया था, जो हमारे गवर्नर साहब ने भी अनाउंस किया था कि इन लोगों को 5-5 मरले जमीन दी जाएगी, हम एक गवर्नर साहब को एक चीज़ कहना चाहते हैं कि गवर्नर साहब हमें बहुत खुशी है कि आप ट्राइबल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपको अपराइज करना चाहते हैं कि हमारी ये जो पॉपुलेशन है ये जो मैक्सिमम जो है एक एक आदमी के पास 1000-1500 बेड़े होती हैं, बकरियां हैं, गाय है, भैंस है, इनका पालन पोषण करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ जो बैठे हुए हैं लोग उनको वहाँ पे ये कोई प्रबंध ये किया जाए प्रबंध कि उनको वहीं पे बसाया जाए यहाँ पे, ना कि इनको आप उखाड़ देते हैं इनको पीला पंजा जो बल्डोजर वगैरह लेके, तो या इनको ऐसा एरिया देखिए कि यहाँ इनको कम से कम एक एक दो दो कनाल जगह मिले, वो अपना रोजगार भी चला सके। इनका मेन रोजगार तो दूध बेचना है और गाय भैंस बकरी पालना है, तो 5 मरले में तो इनका गुजारा नहीं होगा, इनको ज़्यादा ज़मीन दी जाए और ये जो लोग बैठे हुए हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। यही हमारी निवेदन है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से और हमारे गवर्नर साहब से। और हमारा जो आज का महापंचायत है ये बिल्कुल पीसफुल है, बैठ से हम अपनी रिजोल्यूशन देंगे गवर्नमेंट को और उनको बोलें कि हमारे जो हक हैं वो महफूज रखे जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस हैं उसको महफूज रखा जाए। थैंक यू। कहना चाहेंगे सर आज की महासभा को, आज आयोजन किया गया है, क्या कहना? प्रधानमंत्री मोदी जी जब भारतवर्ष में हुकूमत उन्होंने शुरुआत की तो जम्मू कश्मीर के लिए खासकर ट्राइबल्स के लिए उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, और आज ये जन समूह जो जम्मू के अंदर उमड़ा है, जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस डिल्यूट करने की बातें हो रही हैं, ये सरासर कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का है उसके ख़िलाफ़ हैं। और जो इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं, रिजर्वेशन हो नहीं सकता, तो सीधा अटैक है जे शेड्यूल ट्राइब के ऊपर। और ये जो लड़ाई है ये डू और डाई की है, अगर ये स्टेटस डिल्यूट हो जाता है तो जम्मू कश्मीर के ही नहीं भारतवर्ष का जो शेड्यूल ट्राइब है उसको भी हिट होगा। लिहाजा ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारत में इस पर रोष है, और इस इश्यूज को बार बार हर रियासत में, और अभी 5 नवंबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली थी जिसमें ये इशू उठाए गए, और हम लगातार इस इशू को उठाते रहेंगे। गवर्नमेंट को समझना चाहिए लोगों की नब्ज क्या है, अगर ये ऐसा कर देते हैं तो इसके जो रिजल्ट हैं वो जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा हम वेलकम करते हैं लोगों का, और पूरा का पूरा कॉन्फेडरेशन जो है NSYF जो है इस जो समूह है इसके साथ है, और ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से लगातार जो है पहाड़ी कम्युनिटी के और गुजर बकरवाल कम्युनिटी के यहाँ पर जो है महापंचायत में लोग पहुँच रहे हैं, और तांता जो है यहाँ पर लगा हुआ है, मगर
साथ ही साथ जो लीडरान ने क्या कुछ बात कही, जो गुज्जर बकरवाल समुदाय और पहाड़ी समुदाय के लीडरान हैं, उनसे भी बातचीत की हमने। आपने पूरी खबर सुनी और खबर को सुनकर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लू को दीजिए इजाजत, नमस्कार।